बच्चों और बड़ों के लिए लेकर आई हूँ ऐसा नुस्खा जो दोनों की इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगा ही, बच्चों के दिमाग को ताकत देगा और बड़े यदि एंटी एजिंग की समस्या से जूझ रहे हैं तो उसे भी दूर करेगा। 5 सीड्स का सेवन शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करके वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुट्ठी भर खाएं, बस 2 चम्मच इसे सवेरे हमें खाली पेट खाना होता है। और अगर आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। वैसे नवरात्रि से लेकर होली तक आप इसका बखूबी सेवन कर सकते हैं और इससे होने वाले फ़ायदों का लाभ उठा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना, वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। लिए हैं 100 ग्राम मखाने, इसे हम धीमी आंच पर धीमे धीमे भून लेंगे और जब ये अच्छे से भून जाए तब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं पर इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो धीरे धीरे आंच पर भूनने के बाद आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्प हो गए हैं और तेल भी ज़्यादा नहीं लगा है, सिर्फ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में इतने क्रिस्प हो गए हैं। इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन थोड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि और भी चीज़ों को हमें निकालना है। लेंगे 1 कप कद्दू के बीज। 1 कप मेजरिंग वाला मेरा मिल नहीं रहा था तो मैंने आधा कप 2 बार लिया है। इसे भी हम धीमी आंच पर ही रोस्ट कर लेंगे पर चिकनाई हम ऑयल को हम बाद में ही डालेंगे। ऐसा करने से बहुत ही कम तेल में सारी चीज़ें भुन जाती हैं। बीज चटकने लगे तो आप समझिए कि बीज भुन चुके हैं। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालने के बाद इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए फिर से चला लेंगे जिससे कि ये अच्छे से भुन जाए। कद्दू के बीज अच्छे से भुन चुके हैं, पास से आप देख सकते हैं। अब इसे हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने मखाना निकाला था। और अब लिया है यहाँ पर 1 कप सूरजमुखी के बीज। आधा आधा कप 2 बार डाल रही हूँ। इसे भी हम कद्दू के बीज की तरह ही भून लेंगे। पहले हम बिना तेल के इसे भूनेंगे और जब ये अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम आधा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के अच्छे से भून लेंगे। ये भी भुन चुके हैं, पास से आप देख सकती हैं। इसे भी हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे। और अब लिए हैं आधा कप खरबूजे के बीज। इसे भी हम दोनों बीजों की तरह भून लेंगे। बहुत जल्दी भुन जाते हैं, इसमें भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है पर आज को धीमा ज़रूर रखिएगा वरना ये जल सकते हैं और अंदर से पूरे सिक भी नहीं पाएंगे। अब डालेंगे इसमें भी आधा चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालने के बाद हर बीजों को हम कुछ सेकंड्स तक ज़रूर चलाएंगे। पास से आप देख सकते हैं कितने बढ़िया भुन चुके हैं। अब लेंगे तरबूज के बीज। इसे भी हम भून लेंगे। डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। हर बार बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आधा आधा चम्मच तेल में डाल रही हूँ। तरबूज के बीज भी भुन चुके हैं। और अब लेंगे
अलसी के बीज, पैकेट वाली अलसी के बीज मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पैकेट वाले बीज ज़रूर लें क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ रहते हैं, इसमें कोई कूड़ा वगैरह नहीं रहता है। आधा कप लेंगे अलसी के बीज और इसे भी हम बढ़िया भून लेंगे। इसमें आप चाहें तो ऑयल डालें और चाहे तो ना डालें, ये ऐसे ही भुन जाती है क्योंकि इसमें अपना खुद का भी ऑयल अच्छी मात्रा में होता है। ये भी भुन चुके हैं और इसे भी अब हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, ये रहे अलसी के बीज, ये रहे तरबूज के बीज, ये रहे खरबूजे के बीज, ये रहे सूरजमुखी के बीज और ये रहे कद्दू के बीज। तो हो गए ना 5 सीड्स। चलिए अब कुछ चीज़ें और हम ऐड करेंगे जो बिल्कुल ऑप्शनल है, ये हम अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं पर फ़ायदेमंद भी हैं। तो डालेंगे इसमें हम आधा कप बादाम। बादाम में तेल हम शुरू में ही डाल देंगे क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं और भुनने में थोड़ा समय लेते हैं, तो जब हम तेल डाल देते हैं तो ये आसानी से अंदर तक भुन जाते हैं। बादाम को भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भुनेंगे। सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर ही भुनना है और भुनने से कुछ समय पहले ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप काजू के टुकड़े, ये छोटे वाले काजू के टुकड़े हैं और काजू की अपेक्षा ये थोड़े सस्ते होते हैं तो इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। काजू बहुत जल्दी भुन जाते हैं, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें भुन चुकी हैं। अब सारी चीज़ों को हमने भून लिया है, अब डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, जिन्हें आँखों की शिकायत होती है वो मिश्री के साथ मिलाकर इसका सेवन सुबह वासी मुँह करते हैं। और स्वाद के लिए डालेंगे काला नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बनकर तैयार है 5 सीड्स से बने बढ़िया सा नमकीन, जो बच्चे और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही हेल्दी है। मेरी किचन में रोज़ के खाने में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे मैंने सेंधा नमक में ही बनाया है। अगर आप दूसरा नमक खाते हों तो मेरी सलाह यही है कि आप इस नमकीन को सेंधा नमक में ही बनाएं, जिससे आप व्रत वगैरह में भी इसका आनंद ले पाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दें कि हर घर में ये वीडियो पहुँच जाए, जिससे हर कोई इससे होने वाले फ़ायदों का लाभ उठा पाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। बनकर तैयार है 5 सीड्स से बना बढ़िया सा हेल्दी नमकीन। जब तक आप इसका आनंद लेंगे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।